नमस्ते एंड वेलकम एंड गुड मॉर्निंग। और वन मोर थिंग, आज होली है तो इसीलिए आप लोगों की होली को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई है। आई होप आप किसी के तंग नहीं करेंगे होली के दिन, किसी को सिर्फ मोहब्बत से रंग लगाएंगे, और अगर कोई नहीं चाहता रंग लगाना तो आप उसे रंग नहीं लगाएंगे। ठीक है सर, तो अब हम लोग, क्योंकि आपका पेपर है तो थोड़ा सा उसकी तरफ भी मुझे ध्यान देना है। हम लोग अब नया मॉक टेस्ट शुरू कर रहे हैं, तो कल की वीडियो आई होप आपने देख ली होगी, और नहीं देखी है तो देख लीजिए। और अगर आपको बुरा ना लगे और आप चाहते हैं, क्योंकि आज कुछ स्पेशल डे है बिकॉज इट्स होली, तो आप अगर चाहेंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और मैं बिल्कुल भी अच्छा, मुझे मतलब बुरा नहीं लगेगा कि अगर आप ये चैनल अपने दोस्त को भी सब्सक्राइब के लिए भेज देंगे, उसे भी शेयर कर देंगे और वो भी सब्सक्राइब मेरे चैनल को या आपके चैनल को या हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। ठीक है सर, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप थोड़ी सी इसमें दिखाएंगे अपना बड़ा दिल और दूसरे तक इस चैनल को भी भेजेंगे। ठीक है सर, शुरू करते हैं। जरा इस पहले क्वेश्चन को देखिए और इस मोहब्बत को आगे बढ़ाइए। पहला क्वेश्चन कहता है, विद व्हाट हेल्प इन अ कॉलोनाइजेशन ऑफ एशिया अफ्रीकन कंट्रीज, कहता है कि क्या हेल्प कर दिया गया, किस चीज ने हेल्प किया है कॉलोनाइजेशन में। कॉलोनाइजेशन का मतलब होता है जब एक पावर किसी दूसरी कंट्री के ऊपर अपना वर्चस्व जमा ले, इसे कहते हैं कॉलोनाइजेशन। तो आपको पता ना, अंग्रेज लोग आए थे हमारे ऊपर, इतने साल तक राज किए, इट्स ऑल्सो अ कॉलोनाइजेशन। तो कहता है व्हाट हेल्प इन कॉलोनाइज, तो एक कंट्री को दूसरे कंट्री के ऊपर रूल करने के लिए क्या क्या किस चीज ने हेल्प करी थी। और कॉलोनाइजेशन किसका हुआ था, एशिया का, किसके द्वारा हुआ था, अफ्रीकन कंट्रीज के द्वारा हुआ था। ऑब्वियस सी बात है, अफ्रीका में जो लंदन है, जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, तो वहीं से अफ्रीका से आए थे और एशिया में हम लोग हैं, हमारे ऊपर उन्होंने रूल किया। उनके लिए किस किस टॉपिक ने उनकी मदद कर दी कि उन्होंने आके हमारे ऊपर रूल कर लिया। तो पहला कहता है इंटर गवर्नमेंटल पॉलिसीज फॉर एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, कहता है एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड और गवर्नमेंट की पॉलिसी ने मदद करी। गवर्नमेंटल इनवाइट टू द मदर कंट्रीज फॉर एक्सपेंशन, या फिर टेक्नोलॉजी। देखिए, गवर्नमेंट का तो तब लेना देना ही नहीं होगा, क्योंकि उस समय इतना गवर्नमेंट था नहीं कि डेमोक्रेसी चलते रहती थी, उस समय पे राजा रजवाड़े हुआ करते थे। तो अगला है, कुछ कहता है कैपिटलिस्टिक ऑफ रीजन वांट्स ट्रेड विद अ कॉलोनी, नहीं सर ये भी नहीं होगा कि उस समय कॉलोनियल पावर का ऐसा कुछ था नहीं। तो पहला भी नहीं, तो गवर्नमेंट थी नहीं, गवर्नमेंट का भी कोई रोल नहीं है, तो उस समय पे कैपिटलिस्टिक की बात नहीं हुआ करती है कि कोई कैपिटलिस्टिक है कोई सोशलिस्ट है, ऐसी भी बात नहीं थी। करेक्ट आंसर यही था, उस समय की टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट एंड इम्प्रूवमेंट इन अ ट्रांसपोर्ट, वहां से आने जाने की सुविधा। उस समय आपको पता ना, वाटर बेस से लोग आ जाते थे, जहाज पानी के जहाज में बैठते थे आ जाते थे। तो तीन चीजों ने उनकी मदद कर दी जिससे उन्होंने रूल कर लिया। पहला चीज, उन्होंने उनकी उनके पास लिटिल बिट हमसे ज्यादा टेक्नोलॉजीज हुआ करती थी, और इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने किया, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इंप्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट, आने जाने की सुविधा हो गई, इसी वजह से उन्होंने आके रूल कर लिया। तो सी विल बी द आंसर, इसी के कारण, टेक्नोलॉजी के कारण और इंप्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट के कारण अफ्रीकन कंट्रीज ने एशिया कंट्री के ऊपर आके राज किया। इस बात को समझ लीजिए, वरना आप गवर्नमेंटल गवर्नमेंटल में चले जाएंगे और इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। पर करेक्ट आंसर यही है। ठीक है सर, अगला सवाल, सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगर आप कहेंगे तो मैं पीडीएफ भी लिंक करवा दूंगा, हाँ या ना। अगला सवाल कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज पेपर वॉज स्टार्टेड बाई द बाल गंगाधर तिलक, ऐसा कौन सा न्यूज पेपर है जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्टार्ट किया गया था। याद रख ले, केसरिया तेरा रंग है पिया, कोई कोई गाना गा रहा था संबली रूट 2-3 दिन पहले, और ये गाने वाले को क्या कर सकते हैं सर, एक दिन समझाएंगे उन्हें भी मोहब्बत से। देखिए सरकार, तो बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा न्यूज पेपर शुरू किया था, एक बार बोल के बता दो। हिंदू नाजीना, सुधारक नाजीना, प्रताप नाजीना, केसरिया। सर बाल गंगाधर कौन से रंग को चाहते थे, केसरिया रंग को चाहते थे, हाँ या ना। ठीक है सर, केसरिया न्यूज़पेपर शुरू किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मार्क कर लीजिए और याद भी कर लीजिए। एक बार निगाहें मोहब्बत से, मोहब्बत के लिए चित्र पे देखिए सर, देखिए जरा। उसने कहता है लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द पेंटर ऑफ दिस पेंटिंग फ्रॉम द फॉलोइंग। रंग रसिया सर, एक मूवी आई थी रंग रसिया, मैं नहीं कहूंगा कि आप देखिए, मैं कुछ कह ही नहीं रहा उस मूवी के बारे में। तो आपको पता है उसमें उसी इंसान का चित्रण किया गया है रंग रसिया मूवीज के अंदर। ठीक है सरकार, हमारे उस समय के बहुत फेमस, बहुत ही तगड़े जो पेंटर हुआ करते थे वो थे
नाम बता दूं सरकार, उनका नाम भी यहाँ पे लिखा है, क्या आप गेस कर सकते हैं? द नेम ऑफ द पर्सन, द नेम ऑफ द पर्सन सर, राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा एक इतने अच्छे पेंटर हुआ करते थे, वो उन्होंने ही सबसे पहले देवी देवताओं की चित्र बनाए थे। आपको पता ना, आप देखेंगे राम भगवान ऐसे हैं, या शेरावाली माता ऐसे हैं, या कोई ऐसे है, या फलाना कोई ऐसे है, उन्होंने ही सबसे पहले चित्रों का चित्रण किया था, राजा रवि वर्मा। याद रखिए, नेम ऑफ द सबसे तगड़े पेंटर थे राजा रवि वर्मा। यहाँ पे देखिए, एक सुंदर कन्या जो किसी पुरुष को देखते हुए शर्मा रही है, और दूसरा पुरुष उसको बिल्कुल खतरनाक निगाहों से देख रहा है, ना जी हमसे ना हो पाएगा। और यहाँ पे दूसरी कोई कन्या जो ये इनको इंट्रोड्यूस करवा रही है, यही है वो सफेद कन्याधारी। ठीक है सरकार, आप इस बात को समझिए जरा। तो राजा रवि वर्मा के द्वारा आप देखो कितना रियलिस्टिक लग रहा है कि सच में शर्मा रही है, और ये सच में ये इंसान इसकी तरफ निगाहों से देख रहा है। नाम ऑफ द पर्सन, इंपॉर्टेंट चीज, कौन किसको देख रहा है, फीलिंग में ना जा सुरेश, राजा रवि वर्मा। ठीक है सरकार, इज द ग्रेट पेंटर, ही वॉज द ग्रेट पेंटर सर। एक बार देखिए, नाम ऑफ द, एक बार बोल दो सर, एक बार बोलो, आपको कसम है, किस चीज की? राजा रवि वर्मा की। अगला सवाल है सर, ये उन्हीं की पेंटर है, और इन खूबसूरत कन्याओं को देखिए जरा। अगला कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ द बुक गीता गोविंद। सर आपको पता है ना, हमारे यहाँ पे जो गीता चलती है, तो आपको पता श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन जी को ज्ञान दिया था युद्ध के मैदान में, एक वो गीता है, और एक साउथ इंडिया की तरफ भी गीता चलती है, उसका नाम है सरकार गीता गोविंद। व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक, इज कॉल्ड द गीता गोविंद। Who was the writer of Gita Gobind? Sir, name of the person, Gita Gobind का नाम है जयदेवा। याद कर लीजिए सरकार, गीता गोविंद की जय। अक्सर बोलते हैं ना, गीता गोविंद की जय, तो जय से जयदेवा, गीता गोविंद की जय। याद रख ले, आऊंगा तेरे सपनों में पूछूंगा। ठीक है, गीता गोविंद के राइटर तुलसीदास नहीं, सूरदास नहीं, रैदास नहीं, द करेक्ट आंसर इज जयदेवा। जयदेवा, गीता गोविंद की जय। हरे कृष्ण। अगला सवाल कहता है, आपको इसे अरेंज करना है, हाँ या ना सर, अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब समझिए, एक जैसे एक घटना, एक घटने के बाद होती है ना, कोई बच्चा है, फिर बड़ा होगा, फिर शादी होगी, फिर बच्चे होंगे, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। कोई बोलते नहीं पहले बच्चा फिर शादी या फिर बड़ा होगा, ना जी ना, हमसे ना हो पाएगा, आपसे भी नहीं होगा सर ये तो। एक बार देखिए सरकार, इसे कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सीक्वेंस चाहिए हमें, एक बार देखिए। कहता है, प्रिंट कल्चर क्रिएटेड द कंडीशन फॉर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। कहता भाई साहब, इसमें प्रिंट कल्चर की बात हुई है, क्योंकि प्रिंट कल्चर ने रेवोल्यूशन ला दिया इसका, चलो ठीक है। मार्टिन लूथर राइटिंग लेड बाय द बिगनिंग ऑफ अ प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म्स, ठीक है, रिफॉर्मेशन, ठीक है। कोई ये मार्टिन लूथर थे जिनकी राइटिंग बहुत तगड़ी हुआ करती थी बिगनिंग से ही, ठीक है। और अगला है, मैनुचियो रेंट interpreted the message of the Bible, ठीक है। हाँ देखिए, there is a person, उन्होंने Bible के जो message को interpreted कर दिया था, correct है सरकार। अब ध्यान से देखिए, reinterpreted the message of Bible, सर इसने लिखा कैसे, अलग अलग करना चाहिए ना, ठीक है। और अगला है, जॉन गुटेनबर्ग इन्वेंटर द प्रिंटिंग प्रेस, और यहाँ पे देखिए उन्होंने मैसेज को क्या इंटरप्रिटेट किया था, और यहाँ पे इन्वेंट किया गया था प्रिंटिंग प्रेस को। ना आप समझिए, अगर मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को समझूं, तो ये सारी जो चीजें हो रही हैं सर, ये सारी चीजें ये हो इसलिए रही हैं क्योंकि ये प्रिंटिंग प्रेस से रिलेटेड है सर। प्रिंटिंग प्रेस से रिलेटेड कोई भी चीज तभी होगी ना, जब सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट किया जाए, प्रिंटिंग प्रेस को खोजा जाए। तो आप समझ के देखिए सरकार, तो सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की खोज होगी अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम जाएंगे। हल्का सा दिमाग लगाइए ना यार, सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस होगा, उसके बाद कोई मैसेज इंटरप्रेटेड करेगा, कोई राइट करेगा। तो इंपॉर्टेंट चीज सरकार, प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले है, तो इसे पहले मार्क कीजिए। देखिए इसमें पहले थर्ड है, ये गलत हो गया, इसमें पहले फर्स्ट है, ये गलत हो गया, इसमें भी पहले फोर्थ था, इसमें भी पहले फोर्थ था, या तो ये। एक बार और देख लीजिए, उसके बाद आप समझिए जरा, प्रिंटिंग प्रेस के बाद ये हो गया, उसके बाद मार्टिन। अब एक चीज और देख लीजिए सरकार, एक चीज और देखिए, प्रिंटिंग कल्चर क्रिएटेड द कंडीशन फॉर, और लास्ट में हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसे लास्ट में होना पड़ेगा। यहाँ पे भी ये लास्ट में है, यहाँ पे भी ये लास्ट में है, एक बार और देखिए। तो पहला ये हो गया, फोर्थ ये हो गया, अब या तो ये मार्टिन लूथर किंग राइटिंग द लेड टू द बिगनिंग ऑफ द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, ठीक है सरकार। तो द करेक्ट आंसर विल बी सी। अब ध्यान से देखिए, पहले ये होगा, फिर ये होगा, वो मैसेज को इंटरप्रिटेट करेंगे, फिर मार्टिन लूथर किंग करेंगे, और इसके बाद फोर्थ। तो ये सरकार सीक्वेंशियल ऑर्डर इसमें फॉलो हो जाएगा, ठीक है सरकार। द करेक्ट आंसर विल बी सी, सी विल बी द करेक्ट आंसर। कौन से क्वेश्चन के लिए? क्वेश्चन नंबर 4, आंसर क्या है? सी। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? एक बार बोलिए सर, हाँ या ना, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर, एक बार ध्यान में रख लीजिए। अगला सवाल,
कहता है आइडेंटिफाई द क्रॉप विच हेल्प द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कहता है कि अभी आप ना इसको करेक्ट से जरा मैच कीजिए, करेक्ट इंफॉर्मेशन से मैच करना है। पहले पढ़ो, इट इज अ क्रॉप विच इज यूज फॉर बोथ फूड एंड फोडर। देखिए फूड मतलब जो इंसानों के लिए फूड के यूज करे, जो जानवरों के लिए यूज, ऐसी कौन सी क्रॉप है जो दोनों के लिए यूज, इंसान और जानवर। अगला है इट इज अ खरीफ क्रॉप, ओके खरीफ क्रॉप है ना, और उसके लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, 21 से 27 का टेम्परेचर चाहिए, और ये एलोवेरा सॉइल में होनी चाहिए, और इसमें मॉडर्न इनपुट्स देने चाहिए इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन के लिए। तो सर इसके लिए और कोई नहीं होगा, दिस इज द मेज, मेज ही खरीफ क्रॉप है, उसके लिए इतनी टेम्परेचर की जरूरत है, और मेज दोनों के लिए यूज होती है, इंसान के लिए भी और मतलब ह्यूमन के लिए भी, और इंपॉर्टेंट यही याद रखे, और एनिमल के लिए भी, ह्यूमन के लिए भी यूज होगी और एनिमल के लिए भी यूज हो जाती है सरकार, ये याद रख लीजिए। मेज वीट नहीं, राइस नहीं, राइस जानवरों के लिए यूज होता है क्या, कैसी बात करते हो देव बाबू, वीट भी नहीं, शुगर केन भी नहीं, रस चीनी शुगर जानवर खाते हैं क्या, नहीं ना, तो ये भी नहीं, मेज मेज हल्का सा भी अगर आप दिमाग लगाए ना सोशल साइंस में हो जाएगा सर, ये तीनों अपने आप कट जाएगा, मेज ही होती है जो दोनों के लिए यूज की जाती है। द करेक्ट आंसर विल बी मेज, याद रखे अल्वेला सॉइल होती है, इसका इतना टेम्परेचर है, फूड एंड फोडर के लिए भी होती है, और इंक्रीजिंग प्रोडक्शन के लिए हम मॉडर्न इनपुट का भी यूज करते हैं, मेज मेज मेज। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेस्ट इज नॉट करेक्ट, अच्छा फॉरेस्ट का डिस्क्रिप्शन नॉट, आज मैं आपको बताऊंगा क्लासिफाई फॉरेस्ट क्या होता है, रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है, अनरिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है, अनक्लास फॉरेस्ट क्या होता है, सब कुछ ध्यान से सुनो, हमेशा याद रख। रिजर्व फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं, उसे कहते हैं रिजर्वेशन ऑफ मोर देन हाफ ऑफ द फॉरेस्ट, अगर किसी फॉरेस्ट का आधा से ज्यादा जंगल रिजर्व है तब हम उसको हम कहते हैं रिजर्व फॉरेस्ट, हाँ या ना। अगला देख प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होता है, रिजर्वेशन ऑफ 1/3 ऑफ द फॉरेस्ट, अगर किसी फॉरेस्ट का 1/3 भाग क्या है प्रोटेक्टेड है तब हम उसे क्या बोलेंगे, तब रिजर्व है तब हम उसे क्या बोलेंगे, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। रिजर्व में हाफ होना चाहिए रिजर्व में हाफ होना चाहिए, प्रोटेक्टेड में 1/3 रिजर्व होना चाहिए। अनक्लास्ड फॉरेस्ट क्या होता है, ध्यान से समझिए, अनक्लास्ड फॉरेस्ट रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट अंडर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल, सर अनक्लास्ड फॉरेस्ट हम उसे बोलते हैं ना, मान लीजिए कोई फॉरेस्ट है या तो उसे गवर्नमेंट ने रिजर्व कर दिया है या किसी प्राइवेट बंदे का वो है, उसे हम बोलते हैं अनक्लास्ड फॉरेस्ट। अनक्लास्ड फॉरेस्ट में या तो किसी इंडिविजुअल का होगा या फिर गवर्नमेंट का होगा, दिस इज कॉल्ड द अनक्लास्ड फॉरेस्ट। अनक्लास्ड फॉरेस्ट में रिजर्वेशन कौन करेगा, या तो गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल। तो आपको समझ में आ गया, रिजर्व फॉरेस्ट वो होते हैं जिसका हाफ रिजर्व हो, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट वो होते हैं जिसका 1/3 रिजर्व हो, अनक्लास फॉरेस्ट वो होते हैं जिसका मालकाना है क्या सरकार या कोई इंडिविजुअल ले ले, ठीक है सरकार, ये तीनों के तीनों तथागत हैं, सत्य हैं। परमानेंट फॉरेस्ट, परमानेंट फॉरेस्ट क्या होता है, रिजर्व एंड अनक्लास फॉरेस्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ टिम्बर, सर आप खुद सोचिए परमानेंट फॉरेस्ट वो होगा क्या जिसमें हम टिम्बर उगाएंगे, कैसी बातें कर रहे हो, तो परमानेंट हुआ कहां, ठीक है सरकार ये गलत है। तो उसने हमसे यही पूछा था नॉट करेक्ट, तो डी विल बी द नॉट, परमानेंट फॉरेस्ट वो नहीं होता जिसमें आप लकड़ियां उगाएं और कोई मर जाए तो उसे जलाएं, ना जी ना, ठीक है सरकार ये याद रखिए, परमानेंट फॉरेस्ट ऐसे नहीं होते जिसमें आप टिम्बर उगाएं, ये डी विल बी द रॉन्ग आंसर। आगे देख लीजिए सरकार, अगला कहता है मैच करना है हमें, रिन्यूएबल सोर्सेस क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस क्या होते हैं, नेशनल रिसोर्सेस इंटरनेशनल, सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ, इंटरनेशनल रिसोर्सेस सिर्फ समुंदर होते हैं, क्योंकि मान लीजिए एक समुंदर मेरे भी कंट्री से टच करता है, एक समुंदर किसी और के कंट्री से टच करता है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि वो समुंदर वो ओशन वो सी किसका है, इसीलिए हम कहते हैं ओशन सबका है, ठीक है सरकार, जिस जिसके बाउंड्री से टच करता है उसकी बाउंड्री से जहां पे टच करेगा उस टच करने से लेके 200 किलोमीटर तक उस कंट्री का ही रूल रहता है जनरली तौर पे। तो जो ओशन होते हैं वो इंटरनेशनल रिसोर्सेस होते हैं, और जैसे रेलवे है हाईवे है ब्रिजेस है ये नेशनल रिसोर्सेस होते हैं। तो एक ही चीज में पकड़ूंगा भाई साहब, इंटरनेशनल रिसोर्सेस क्या होगा, ओशनिक रिसोर्सेस, तो देख लो मतलब सी का सेकंड किसमें बाबूजी, ये देखिए सी का सेकंड ये रहा, डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ना मैं ज्यादा पढ़ता हूँ ना मैं ज्यादा देखता हूँ, मोहब्बत करता हूँ मोहब्बत ही करता हूँ, याद रख ले, ठीक है सरकार। रिन्यूएबल आपको पता हो जाएगा ना बाबूजी, रिन्यूएबल क्या होता है, जिसे दोबारा से ला सकते हैं, फॉरेस्ट में तो काट के दोबारा ला दीजिए, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ये रिन्यूएबल है। नॉन रिन्यूएबल कौन होंगे, मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स है, एक बार खत्म तो खलत नॉन रिन्यूएबल। नेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं, रोड एंड ट्रांसपोर्ट होता है रोड एंड, ठीक है, और इंटरनेशनल ओशनिक होते हैं। डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन।
ठीक है, अगला देख लीजिए सरकार, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन बेल्जियम में जो पावर शेयरिंग की बात होगी उसके बारे में पूछ रहा है, कहता है करेक्ट इनकरेक्ट, सॉरी इनकरेक्ट को आइडेंटिफाई करो। इनकरेक्ट के लिए सर हमेशा याद रखिए कि बेल्जियम में जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सबऑर्डिनेट नहीं थी, यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है सरकार, याद रखिए इक्वल नंबर ऑफ मेंबर फॉर डच एंड फ्रेंच कम्युनिटी इन अ सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ ये बात बिल्कुल सही थी, डच और फ्रेंच के इक्वल मेंबर थे। सेपरेट गवर्नमेंट फॉर ब्रुसेल्स, सेपरेट गवर्नमेंट फॉर ब्रुसेल्स वहां की कैपिटल है बेल्जियम की, विद इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनिटीज, ये भी बात सही है। द स्टेट गवर्नमेंट टू बी सब ऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यही बात आप याद रखिए सरकार, यही बात गलत है कि वहां की स्टेट गवर्नमेंट, बेल्जियम की स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की सब ऑर्डिनेट नहीं थी, दोनों के पास अलग अलग पावर थी, यही स्टेटमेंट गलत है और यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है सी। ठीक है सरकार, उसने गलत पूछा तो मैं गलत को ही मार्क करूंगा, हाँ या ना। अगला सवाल, प्यार किया तो निभाना, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कम्स अंडर द लेजिस्लेशन ऑफ सेंट्रल, मतलब कि आपको पता है ना एक होती है यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट वो होती है जिसपे सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट कानून बनाती है, एक होती है सेंट्रल लिस्ट जिसपे सिर्फ सेंट्रल और यूनियन सेम है, और एक होती है स्टेट लिस्ट जिसपे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है, पर एक होती है सर कंकरेंट लिस्ट जिसपे दोनों कानून बना सकती हैं, स्टेट भी और यूनियन गवर्नमेंट, उसे कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं। तो लेजिस्लेशन में यही बोला भाई साहब, ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसपे दोनों काम कर सकती हैं, स्टेट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी, आप खुद सोच के बताइए ऐसा कौन सा टॉपिक होगा जिसपे दोनों काम करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी। द करेक्ट आंसर इज नन अदर देन, नन अदर देन सर देखिए ट्रेड के ऊपर दोनों काम नहीं करती हैं भाई, वो अलग धंधा, ये अलग धंधा, बैंकिंग के ऊपर नहीं सर, बैंकिंग के ऊपर करने लग जाएंगे ना, बैंकिंग तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी देखती, स्टेट गवर्नमेंट का लेना देना नहीं है, फॉरेस्ट तो स्टेट गवर्नमेंट का अपना होता है भाई, वो अपना गवर्नमेंट देख सकती है, एक ही चीज बचता है जिससे हर कोई बंदा बंदा दुखी है, उसे हम कहते हैं एजुकेशन। एजुकेशन में होता है क्या सरकार, स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है, हाँ या ना। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेके आई है, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन जिसके ऊपर दोनों कानून बना सकती हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द फेमिनिस्ट मूवमेंट, याद रखिए फेमिनिस्ट मूवमेंट ऐसा मूवमेंट होता है जिसपे महिलाएं चाहती हैं कि उन्हें पुरुषों के बराबर अधिकार और सम्मान समाज में मिले, उसे फेमिनिस्ट मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है सरकार, हैप्पी वुमेंस डे, आज महिलाओं का दिवस है इसलिए आप सभी को बधाई हो, बहुत चीजें सीखने को मिलती हैं। ठीक है सर, तो इसे आज इसीलिए उसे कहते हैं फेमिनिस्ट मूवमेंट, फेमिनिस्ट मूवमेंट वही होता है जो जिसमें जो महिलाओं को बराबर अधिकार देने की बातें करते हैं, उसे फेमिनिस्ट मूवमेंट बोलते हैं। तो देख लीजिए कौन सी स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है फेमिनिस्ट मूवमेंट के लिए। ठीक है, अ ग्रुप विच फेवर गिविंग मोर पावर वर्किंग वुमेन्स टू द, कहता है कि एक ग्रुप जिसमें जो काम करती महिलाएं हैं उसे ज्यादा पावर दो एट अ रूरल एंड अर्बन लेवल, जो काम कर रही महिलाएं उसे ज्यादा पावर दो, नहीं सर, फेमिनिस्ट मूवमेंट हमेशा कहता है सबको इक्वल, जितना अधिकार पुरुष उतना अधिकार महिला को भी। अ मूवमेंट दैट बिलीव गिव एक्सक्लूजन राइट टू द फीमेल्स इन अर्बन एरिया, नहीं सरकार कि भाई सर एक्सक्लूसिव राइट दो, मतलब जो अर्बन एरिया में महिलाएं हैं उसे कोई एक्सक्लूसिव राइट दे दो, फेमिनिस्ट मूवमेंट ये नहीं कहता, ये भी गलत। रेडिकल मूवमेंट्स, रेडिकल वुमेन्स मूवमेंट एम एट इक्वालिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ एज वेल, हाँ यही बात सही है सरकार कि जो महिलाएं हैं वो मूवमेंट इसीलिए करती हैं ताकि उन्हें इक्वालिटी दी जाए, कहाँ पे, फैमिली में भी और जिंदगी में भी, ये नहीं कि कोई महिला है तो उसे कम अधिकार देंगे, कोई पुरुष है तो उसे ज्यादा अधिकार देंगे, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ये आप बात को ध्यान में रखिए। तो फेमिनिस्ट मूवमेंट वही होता है जिसमें दोनों को बराबर अधिकार दिया जाएगा। अगला सवाल कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, जो करेक्टली मैच्ड है उसे बताइए। कहता है भारतीय जनता पार्टी NDA, सर यही है, भारतीय जनता पार्टी को बोलते हैं नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यही करेक्टली मैच है, ए करेक्टली मैच है सरकार। कांग्रेस पार्टी को लेफ्ट फ्रंट नहीं बोलते सर, कांग्रेस को बोलते हैं यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस बोलते हैं। और मिजोरम की एक पार्टी है मिजो नेशनल पार्टी, नेशनल फ्रंट, इसे हम बोलते हैं रीजनल पार्टी सर, और इसमें आप मैच कर लीजिए। हमसे उसने पता क्या पूछा है, हमसे सिर्फ उसने ये पूछा कि कौन सा इसमें करेक्ट मैच, कांग्रेस को लेफ्ट फ्रंट नहीं बोलते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को रीजनल पार्टी नहीं बोलते हैं, मिजो नेशनल फ्रंट को यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस भी नहीं बोलते हैं, सिर्फ एक ही भारतीय जनता पार्टी को हम नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बोलते हैं, ये याद रखिए। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बोलते हैं और कांग्रेस पार्टी को हम बोलते हैं यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ये याद रखिए। यूपीए
यूपीए कांग्रेस को बोलते हैं, एनडीए बीजेपी को बोलते हैं, ठीक है? तो यही मैच है, बीजेपी को एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बोलते हैं, हाँ या ना सर? अगला है, ठीक है, कहता है देयर आर टू स्टेटमेंट मार्क एज असर्शन और रीजन में है। पहला कहता है असर्शन क्या है, डेमोक्रेटिक इज एन अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। हाँ सर, डेमोक्रेसी में आपको अकाउंटेबल भी होना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबल भी होना पड़ेगा, जो किया है वो बताना पड़ेगा, है ना? ओ ठीक है सर। अगला है डेमोक्रेसीज हैव रेगुलर फ्री फेयर इलेक्शंस एंड डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन आर नॉर्म्स एंड, हाँ करेक्ट सर, डेमोक्रेसी में आपको फ्री और फेयर इलेक्शंस होते हैं, ये दोनों बात तथागत है सरकार, दोनों बात सत्य है और ये इसके लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो कहता बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। देखिए सरकार, उसने कहा है कि असर्शन को समझिए पहले, असर्शन में कहा कि डेमोक्रेसी में आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। उसका रीजन क्यों देता है, रीजन इसलिए देता है डेमोक्रेसी में आपको जिम्मेदारी इसलिए लेनी पड़ेगी क्योंकि आपको लोगों ने चुना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप उनके दुख तकलीफों को दूर करें, आप उनके लिए काम करें, उनके समाज के लिए काम करें, लोगों के लिए काम करें, जो अच्छाई है देश के लिए काम करें, इसलिए आपको चुना, इसलिए आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि आपको चुना गया है, ठीक है सरकार? इसलिए उसने बोला ना कि यहाँ पे हम लोग इलेक्शन करते हैं, इलेक्शन करेंगे तो आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, दैट इज वाई इट्स अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है? बोथ ए एंड आर करेक्ट, आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट, ठीक है सर, याद रखिए। अगला कहता है सरकार विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन वॉज प्रोटेक्टेड एंड फॉरेस्टेड फॉरेस्टेड बाई श्रीलंकन इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है सरकार? ये पैनल सर थोड़ा बड़ा, उसे दिखाई नहीं देता मेरे को ठीक से पास होने पे, ठीक है? तो कहता है कि कौन सी, आपको ये बताना है कि कौन सा रिलीजन श्रीलंका में जिसको प्रोटेक्ट किया गया था, याद रखिए सर। अगर आप श्रीलंका में जाएंगे ना तो आप देखेंगे वहां पे तमिलियंस भी हैं, सिंहालीस भी हैं, और वहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज और आई है, जो बुद्धिस्ट है, ठीक है? तो बुद्धिस्ट को वहां पे प्रोटेक्टेड किया गया है, याद रखिए, बचाया गया कि बुद्धिस्ट वाले लोग भी फले फूले, याद रखिए, बुद्धिज्म, ठीक है सरकार? बुद्धिज्म किसके द्वारा दिया गया था, दर्नन अदर देन स्वयं भगवान बुद्ध के द्वारा दिया गया था, ठीक है, याद रखिए, बुद्धिज्म को ही वहां पे प्रोटेक्टेड किया गया था, कहां पे सर, श्रीलंका के अंदर, कहां पे, श्रीलंका के अंदर, याद रख लीजिए सर, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल कहता है, एक बार आप देखिए, उन्होंने कुछ दिया हुआ है, कहता है रीड द गिवन डेटा एंड फाइंड आउट Children at which state has attained the maximum elementary school education? कहता है ऐसा कौन सा स्कूल है जहां पे सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं उन्होंने elementary जो basics classes होती हैं उसको attend किया है, ऐसा कौन सा state है जहां पे सबसे ज्यादा elementary school मतलब शिक्षा बच्चों ने attend किया, देख लेते हैं सरकार। एक है हरियाणा, केरला, बिहार, ठीक है सरकार, हरियाणा और केरला और बिहार में देख लेते हैं। तो नेट अटेंडेंस पर 100% सेकेंडरी स्टेज, हाँ देखिए 14 से 15 साल के बच्चों के बारे में ये दिया है, लिटरेसी रेट दिया है कि कितने बंदे पढ़े लिखे हैं, इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट मतलब होता है कितने बच्चे पैदा होते हैं 1000 बच्चे पे जिनकी डेथ होती है, पर कैपिटा इनकम, सर कैपिटा इनकम मतलब कौन बंदा कितना कमाता है ये है, और बच्चों की मरने की संख्या ये है, कितने पढ़े लिखे बंदे हैं, तो हमारा इसी में आएगा कि एलिमेंट्री स्कूल में कितने बच्चे आते। तो आप देख लीजिए हरियाणा में 61% है और केरला में 83% है और बिहार में आपका 43%, ये अटेंडेंस रेशियो है सेकेंडरी में। और लिटरेसी रेट में आ जाइए सर, पढ़े लिखे बंदे कितने हैं, हरियाणा में 82 है, केरला में 94 है, बिहार में, तो सबसे ज्यादा बंदे कहाँ पे है सरकार, नन अदर देन केरला, तो केरला, केरला ये रहा, केरला विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है? सबसे ज्यादा एलिमेंट्री स्कूल की जो एजुकेशन है वो कौन से स्कूल में, कौन से स्टेट में, सर केरला। पढ़ाई लिखाई में अगर कोई आगे स्टेट है तो सर वो केरला है, इस बात को आप ध्यान में रख लीजिए। कहता है रीड द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग, कहता है आप सेलेक्ट कीजिए। कहता हाउ मच परसेंटेज ऑफ गर्ल्स आर नॉट अटेंडिंग, कितने परसेंट लड़कियां हैं जो स्कूल अटेंड नहीं करती, देखते हैं। लिटरेसी का मतलब होता है पढ़े लिखे, जो रूरल में पढ़े लिखे पॉपुलेशन इतने हैं, और लिटरेसी रेट फॉर रूरल चिल्ड्रन जो बच्चे पढ़े लिखे हैं वो इतने इतने हैं, और परसेंटेज ऑफ रूरल चिल्ड्रन 10 से 14 साल के अटेंडिंग बच्चे हैं, मतलब 10 से 14 साल के बच्चे हैं जो स्कूल अटेंड करते हैं। तो इसने पूछा नॉन अटेंडिंग चाहिए मुझे, तो आप बताइए अटेंड करने वाले बच्चे कितने हैं, मेल 85% है, फीमेल 82% है। तो कहता है हाउ मच परसेंटेज ऑफ गर्ल्स जो स्कूल अटेंड नहीं करती हैं, कितने परसेंटेज लड़कियां हैं जो स्कूल अटेंड नहीं करती हैं सरकार। तो देखिए इतने परसेंट तो अटेंड करती हैं, 82% अटेंड करती है ना, तो 100 में से अगर 82 माइनस कर देंगे तो आपको पता 18% बच जाएगा, तो 18% ही ऐसे होंगे जो स्कूल अटेंड नहीं करते होंगे, 18% ही ऐसे होंगे
18% ही ऐसे होंगी जो स्कूल अटेंड नहीं करती है। ठीक है सरकार, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अब आगे चलते हैं जरा, डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है सर, 18% पता चल गया ना, 82% अटेंड करती है तो 18% नॉन अटेंडिंग होंगी, याद रख लीजिए। ठीक है, अब बस एक ये क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। कहता फाइंड आउट वन आउट, अच्छा इसमें से ऑड वन आउट फाइंड आउट करना है। पहला है टूरिस्ट गाइड है, बारबर है, टेलर है, इंपोर्टर है। सर ये प्राइवेट बंदे काम करते हैं, टीचर, डॉक्टर, ये सेल्फ एम्प्लॉयड बंदे हैं, पोस्टमैन, कॉबलर, सोल्जर और पुलिस कांस्टेबल है सरकार। और अगला है इंडियन रेलवे, जेट एयरबेस, दूरदर्शन, मेट्रो। सर या ध्यान में देखिए, ये सब बंदे हैं जो काम करते भी काम करने वाले बंदे हैं, कॉबलर, सोल्जर, काम करने। लेकिन ये देखिए, इंडियन रेलवे एक ऑर्गेनाइजेशन है, जेट एयरबेस एक ऑर्गेनाइजेशन है, दूरदर्शन मेट्रो एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो डी विल बी द डिफरेंट ऑप्शन फ्रॉम द रिमेनिंग, क्योंकि सब बंदे हैं काम करने वाले, ये ऑर्गेनाइजेशन है। अगला सवाल सरकार ध्यान से देखिए, कहता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स एक्टिविटी है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। करेक्ट बात है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन कौन सी चलती हैं, लेकिन आप देखिए अगला है ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। क्या आएगा ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड में, ये तीनों के तीनों नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स एक्टिविटी है। तो कहता है ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड में क्या आएगा, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज, नेचर ऑफ सोशल एक्टिविटीज, नेचर ऑफ प्रोडक्शन। सर देखिए, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज में पॉलिटिक्स तो आएगी नहीं, कुछ प्रोडक्शन तो होगा नहीं, सोसाइटी का कुछ लेना देना नहीं है, नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी होती है। देखो जो गवर्नमेंट सेक्टर में लगते हैं उसे ऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं, जो बेचारे प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, बिलदारी करते हैं, उसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं। तो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी है, ये एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी है जिसे ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज बोलते हैं। ठीक है सर, अगला है पढ़ लेते हैं सरकार, देखते हैं आगे क्या कहा हुआ है। रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कहता है रोशन हैज स्टार्टेड अ लोन ऑफ रुपीज 5 लाख फ्रॉम द बैंक, परचेज अ हाउस ऑफ 12%। उसने 5 लाख का ब्याज लिया एक बैंक से और उसने 12% इंटरेस्ट रेट है। ही हैज टू सबमिट पेपर ऑफ न्यू हाउस एंड सैलरी रिकॉर्ड टू द बैंक। और बस सी बात है, उसे बैंक में देना पड़ेगा कहाँ काम करता है, उसकी सैलरी कितनी है, कब मिलती है, क्या है, सब कुछ देना पड़ेगा। व्हाट इज द प्रोसेस इज कॉल्ड। कहता है इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। याद रखे, अगर कभी भी कोई भी कहीं से बैंक से लोन लेता है किसी भी काम के लिए और अपना कुछ गिरवी या कुछ बैंक को देता कि भाई इस ये मेरा इनकम है, इससे मैं कमा के मैं तुम्हारे यहाँ पे लोन को चुका दूंगा, इस चीज को हम बोलते हैं कोलेट्रल। उस चीज को हम क्या बोलते हैं सरकार, कोलेट्रल बोलते हैं इस चीज को। ठीक है, इंटरेस्ट रेट नहीं बोलते सरकार, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं बोलते, इंस्टॉलमेंट भी नहीं बोलते, इसे क्या बोलते हैं, कोलेट्रल बोलते हैं। जब कोई भी अपना डॉक्यूमेंट किसी बैंक को ले जाके देते हैं उन्हें श्योरिटी मिलाने के लिए, दिस इज कॉल्ड कोलेट्रल। ठीक है सरकार, ये याद रखिए। अगला सर एक बार देख लीजिए जरा, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल एजेंसीज अलाउ फ्री ट्रेड एंड वर्क ऑफ अ मैनुअल ट्रेड बिटवीन कंट्रीज। ठीक है सर, सॉरी है, ये म्यूचुअल ट्रेड बिटवीन द कंट्रीज दिखाई नहीं देता ना सर करीब आने से। कहता है कि इनमें से ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस है जो ये कहती है कि दो कंट्रीज के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करवाने में मदद करती है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करवाने में मदद करती है दो कंट्रीज के बीच में, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। पहला है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसमें मनी से रिलेटेड चीजें, नहीं, UPU भी नहीं होगा, FAA भी नहीं होता। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज WTO। WTO का मतलब था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है एक बार बोलिए मेरे पीछे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का धंधा है कि वो दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड के हो रही कोई भी प्रॉब्लम या समस्याओं को देखे और उनके बीच में, दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड होने में मदद करे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट फॉर्म है WTO। कहता है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में मुझे बताना है, बोलो हाँ या ना। कहता है रिमूवल ऑफ बैरियर बाय द, हाँ अगर ग्लोबलाइजेशन, तभी ग्लोबलाइजेशन का मतलब मैं यहाँ पे प्रोडक्ट बना रहा हूँ, अगर मैं इजिली यहाँ पे प्रोडक्ट बना के दूसरे देश में बेच सकता हूँ, इसे बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। ये तभी हो पाएगा जब हर देश की सरकारें अपनी पाबंदियां हटाएंगी, तभी एक कमाल दूसरे कंट्री में जाके बिकेगा। तो ये करेक्ट बात है, रिमूवल ऑफ बैरियर, बैरियर किसके द्वारा, गवर्नमेंट ने जो भी बैरियर लगाया है उसे हमें रिमूव करना पड़ेगा। अगला है फॉरेन कंपनीज आर अलाउड टू सेटअप द, हाँ ये भी बात सही है कि फॉरेन कंट्रीज जो होती है ना, उन्हें आपको अलाउ करना होगा कि वो आके आपके यहाँ पे आके फैक्ट्री को सेटअप करे, ये बात ध्यान में रखिए। अगला कहता है हैज इनेबल ऑल कंपनीज टू इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट, और कहता है कि हर कंपनी को अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना पड़ेगा। और अगला है डी बोलता है
has lessened foreign investment and foreign trade. कहता है कि भाई साहब foreign investment and foreign trade को क्या कर दो, कम कर दो. आपको क्या लगता है सरकार, आपको बताना होगा. आप समझ के देखिए सरकार, ये कभी भी अगर फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम हो जाएंगे सरकार, तो ये ग्लोबलाइजेशन के लिए नुकसान होगा, तो ये स्टेटमेंट तो हो नहीं सकती. अगला है, हैज इनेबल ऑल कंपनीज टू इंक्रीज देयर. सर हम हर कंपनी को बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं. हो सकता है कोई कंपनी लॉस में चल रही हो ना, इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे तो घाटा हो जाएगा, तो ये नहीं बोल सकते. द करेक्ट आंसर विल बी वन एंड टू. वन एंड टू विल बी द करेक्ट ऑप्शन. यही दो चीजें हैं जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल हो पाएगा. ठीक है सरकार, ये 20 एमसीक्यूज थे. अगर आप अंत तक आए हैं, अगर आप चाहते हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब चाहें तो कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं. दिस इज द होली एंड आई विश यू वेरी वेरी हैप्पी होली. मिलते हैं सर अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए वन एंड ओनली डे बाई डे क्लासेस. दिल से दिल तक.